हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये वाटर डिस्पेंसर है ब्लू स्टार का। आज इसमें हम लोग वाटर हीटर का जो स्विच होता है उसको रिप्लेस करेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पे दो स्क्रू रहते हैं साइड में, लेफ्ट राइट दोनों को खोल लेना है अच्छे से। यहाँ पे ये पानी वाला जो रहता है उसको भी निकाल देना है। यहाँ पर भी दो नीचे रहते हैं, यहाँ से भी दो पेच को रिमूव कर लेना है। तो रिमूव करने के बाद यहाँ पे लॉक रहता है, आप लॉक को भी निकाल देंगे। ये कूलिंग वाला है, एक नॉर्मल कूलिंग आता है, एक कूलिंग आता है। इसमें डिस्पेंसर दो प्रकार के होते हैं, एक विदाउट कूलिंग होता है, एक कूलिंग वाला होता है। ये कूलिंग वाला है, ये नीचे साइड में डोर देख रहे हैं, ये कूलिंग का डोर है। अभी यहाँ से साइड से निकाल अच्छे से निकाल देंगे। उसके बाद अभी हम लोग पानी को ड्रेन करते हैं, पानी को भी बाहर निकालना है। ये ऊपर जो पानी आप देख रहे हैं उसको भी निकाल देना है, और इसके नीचे हॉट टैंक लगा रहता है, उसमें पानी हीट रहता है, उसको भी रिमूव करना है। तो उसको भी यहाँ से ड्रेन कर देंगे। ड्रेन करने के बाद ही स्विच को लगा सकते हैं, क्योंकि जो आगे पाइप लगा रहता है उसको हम लोग रिमूव नहीं करेंगे तो पानी फिर आगे ही गिर जाएगा, तो उसको निकाल देना है अच्छे से। ऐसे कूलिंग कैबिनेट पे पानी गिरेगा तो ख़राब होने का चांस रहता है। अभी ये पानी रिमूव हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी इसको साफ कर लेंगे टंकी को अच्छे से, पानी निकल चुका है। साफ हो चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये टाई केबल को जो यहाँ पे पाइप पे लगा रहता है, इसको भी हम लोग को निकाल लेना है। ऐसे तो नहीं निकलेगा, इसको प्लास के ज़रिए काट के हटा देना है, उसके बाद ही पाइप वो निकलेगा। तो तीनों पाइप को अच्छे से निकाल लेते हैं। तीन टाई केबल लगे रहते हैं, तीनों को अच्छे से काट लेना है। काटने के बाद उसको रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे बाहर, तो ये पाइप निकल जाएंगे आसानी से। ये देखिए पाइप तो निकल चुके हैं, तीनों पाइप को बाहर निकाल देंगे। यहाँ से डिस्प्ले का वायर रहता है।
तो फाइनली गाइस अपनी मशीन ओके हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर की लाइट आ गई है, प्लस हॉट का भी लाइट जल रहा है, कोल्ड का भी लाइट जल रहा है चिल्ड वाला, प्लस यहाँ पे ये बटन भी लग चुका है आप देख सकते हैं जिससे पानी निकलता है। अब इसके आते हैं बैक साइड में, आप देख रहे हैं बैक साइड में यहाँ पे एक कोल्ड का भी जो कूलिंग का बटन होता है, एक हॉट वाटर हीटर का बटन रहता है, तो इसको भी आप अगर यहाँ से बंद चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।